यूपी के कौशाम्बी में संवेदनहीन पुलिस का चेहरा सामने आया है। अधमरी हालत में किशोर 4 घंटे तक थाने में पड़ा रहा, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। जानकारी के अनुसार कोखराज थाना इलाके के कसियापुरा गांव के 16 वर्षीय दलित उमेश कुमार अपने साथी संतोष के साथ साइकिल पर गेहूं लादकर आटा चक्की पर पिसवाने के लिए जा रहा था। गांव के ही वीरेंद्र तिवारी के घर के सामने एक नाली में गेहूं की बोरी गिर गई। जब किशोर अपने साथी के सहयोग से गेहूं की बोरी उठाने लगा तो दबंग वीरेंद्र कुमार ने जाति सूचक शब्दों के साथ गालियों का प्रयोग करते हुए कहा कि देखने में हट्टे खट्टे हो और एक बोरी नहीं संभलती। इस पर किशोर ने कहा कि गेहूं की बोरी हमारी गिरी है और आप हमें गाली क्यों दे रहे हो। बस इतनी सी बात पे दबंग ने आंव दिखाना था, किशोर को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया और उसे अधमरा कर दिया। सुनिए क्या कहना है पीड़ित की माँ सुमन देवी का। हाँ साहब, मारी सी मार के हने भगा दी सी तो हम थाने लावा, थाने माने हमारे कोई सुनाई नहीं और बैठ रहे बैठाए रहे, कोई रिपोर्ट नहीं लिख गए साहब। अब क्या कहते हैं भगा दी सी, फिर चौकी गावा चौकी इंचार्ज का कहते हैं 3 सुई लगवा के नहीं और लाइव भेजा दी सी घर। हम तुम्हारा लड़का 3 का कहते बेहोश होए होएगा है। कौन मारा है आपके लड़के? अरबीन पिसना रखा जात रहा बिना मतलब कमारी से साहेब, सेहत मारी से साहेब। आज कप्तान के पास पहुंचा है साहेब, हमारे कोई सुनाई नहीं ना तो कप्तान के पास पहुंचा है। सुमन, दरअसल मामला पुलिस और सत्ता के एक करीबी दबंग से जुड़ा था। सत्ता के मद में चूर दबंग ने मामूली बात पर एक दलित किशोर को बेरहमी से पीट दिया। दलित परिजन किशोर को लेकर थाने पहुंचे तो पुलिस परिजनों पर समझौते का दबाव बनाने लगी। सुनिए क्या कहना है एसपी कौशाम्बी अशोक कुमार पांडे का। ये ज्ञात हुआ कि बाहर कोई आवेदक बैठा हुआ है, जिसपे मैंने क्षेत्राधिकारी को बाहर भेजा था क्षेत्राधिकारी मंजनपुर को, तो उन्होंने बताया कि श्रीमती सुमन देवी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है जिसमें उसने अपने लड़के को गांव के एक व्यक्ति द्वारा मारने पीटने की बात बताई है। जो लड़का था वो उसको कोई जाहिरा चोट नहीं दिखाई दे रही थी, फिर भी उसको इलाज के लिए मेडिकल यहाँ के जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है और इसमें जहाँ जो है क्षेत्राधिकारी सिराथू को भेज दिया गया है आवश्यक कार्रवाई। जो प्रार्थना पत्र यहाँ पे दिया है इसको क्षेत्राधिकारी को भेजा गया है, जो भी सही होगा उचित कार्रवाई की जाएगी। SPN9 न्यूज के लिए कौशाम्बी से दिलशाद अहमद की रिपोर्ट।